अभी द लेबनीज टेबल इस्लामाबाद में बहरिया टाउन में फेज़ 4 में. तो आज हम यहाँ पर आए हैं डिनर करने के लिए. हम आ गए हैं द लेबनीज टेबल बहरिया टाउन फेज़ 4 में. और अगर मैं उसका एड्रेस ठीक बता रही हूँ तो ये देखिए, ये इसकी है एंट्रेंस और ये इसका दरवाज़ा है. तो मैं आई हुई थी अपने रिलेटिव्स के यहाँ, कुछ उनके उनकी एंगेजमेंट वगैरह थी उस सिलसिले में. तो जो है हम एंटर होते हैं द लेबनीज टेबल में. ये है जी एंट्रेंस और ये देखिए टेबल्स इन्होंने किस तरह से जो है लगाए हुए हैं यहाँ पे. और अभी जो है इनका यहाँ पे ये पूरी रिसेप्शन है यहाँ पे. और ये हम देख रहे हैं मेन्यू. लेबनीज है तो इसकी क्या स्पेशलिटी यहाँ पे होगी अरेबिक फूड की. ये सैलेड इसके मतलब ये कोल्ड मेज जो भी आइटम होता है उसके साथ ये होता है. कोल्ड मेज जो भी आइटम है उसके साथ ये सैलेड जो है सर्व होता है. यानी अदर देन दिस सैलेड 3 आइटम्स हैं. कोल्ड मेज होते हैं तकरीबन 4-5 आइटम्स हैं उन सब के साथ ये होते हैं. अच्छा जी. तो ये हमने 2 सैलेड्स ऑर्डर किए थे, ये थे तीसरा तो नहीं था? तीसरा कैंसिल हो. तीसरा कैंसिल हो. ठीक है. अच्छा ये क्या चीज़ है? ये मुतब्बल है. मुतब्बल है. इसमें क्या क्या है डाल के? स्मोकी एग प्लांट होता है, लेबने होते हैं. स्मोकी एग प्लांट, लेबने. इसमें मुतबल सॉस होती है. मुतबल सॉस जो मोलेसिस सॉस है जो ब्राउन कलर की है, ये मोलेसिस सॉस. ठीक है. और इसमें ये लेबने, इसमें चीज और योगर्ट इस्तेमाल होते हैं. चीज और योगर्ट इस्तेमाल होता है लेबना में. और इसमें जो टॉपिंग है ये क्लोवंजी और हनी की है. टॉपिंग क्लोवंजी और हनी की है. और इसका नाम है लेबना. और इसका नाम लेबना विद हनी है ये. और इसका क्या नाम है? ये मुतब्बल है. ठीक है. और ये इसके साथ पीटा ब्रेड. ठीक है. थैंक यू जी. अब आपको जो है ये खा के बताते हैं कि ये कैसा. इतनी सॉफ्ट सी ये पीटा ब्रेड है. ये खुद जो है इनकी कस्टमाइज बनी हुई है, रेडीमेड जो है इन्होंने नहीं खरीदी. तो चलें जी पहले ट्राई करते हैं मुतब्बल को सॉसेस के साथ मिला के जो है इसको खाते हैं. इसमें ऑलिव ऑयल भी है. योगर्ट है तब इसमें एग प्लांट है. इसमें एग प्लांट है. चलें ये जो लेबना है, लेबना विद हनी. और इसमें इन्होंने बताया है चीज़ है और हनी है और टॉपिंग में क्लोवंजी भी शामिल है. लेबना खा के देखते हैं. यूनिक सा मीठा ऑलिव ऑयल का चीज़ी फ्लेवर आ रहा है इसमें. और ये मिट्टी के बर्तन में सर्व किया है हमने. और ये चुकंदर है इसमें. और ये कच्ची है या बॉइल्ड है? वेजीज पिकल्ड है. ये वेजीज जो हैं ये बहुत ज़बरदस्त, ये देखने में ये कच्ची लग रही हैं लेकिन ये हैं पिकल्ड वेजीज. तो बहुत मज़ा आता है ये पीटा ब्रेड. चले मैं आपको करके दिखाती हूँ. पीटा ब्रेड हो गई, ये सैलेड हो गया, इसके साथ ये एक कुकम्बर का पीस. ये पूरा पैकेज बना के ये आप खाएं. चले थोड़ा सा मोलेसिस सॉस में इसको डाल के जो है ट्राई करते हैं. ये देखें साइज़ इनका इतना अच्छा है कि 2 से 3 लोग बहुत आराम से जो है ये इसको खा सकते हैं. इसमें फ्रेश वेजीज और खट्टा टेस्ट, मीठा टेस्ट, पिकल्ड वेजीज का टेस्ट इसमें और चीज़ी सा, मिल्की योगर्टी सा. और उसमें ये ऑलिव ऑयल और मोलेसिस सॉस इतना इसको जायकेदार बना रहा है. बहुत ज़बरदस्त जो है इनका सैलेड का है. मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मुझे लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे थे और मुझे लग रहा था कि हम लोग पहली दफ़ा ट्राई कर रहे हैं, पता नहीं ये कैसा हो, लेकिन लेट्स ट्राई. और उसका जो है रिज़ल्ट बड़ा मज़े का निकला. बहुत मज़े का है ये.
क्या नाम है ये? चिकन कैफ्ता कबाब। चिकन कैफ्ता कबाब और इसके साथ ये सॉसेस कौन कौन सी है? ये वाली सॉस कौन सी? गार्लिक सॉस है और चिली सॉस है। ये गार्लिक सॉस और चिली सॉस। राइस की जगह आपने जो सैलेड करवाया था, सैलेड करवाया था, बिल्कुल सही। ये जी चिकन कैफ्ता कबाब हैं और जिस तरह से डिस्क्रिप्शन आप बताइए, और इसके साथ ये सैलेड मैंने कराया था, इसके साथ फ्रेंच फ्राइज मिलते हैं तो उसकी जगह पर मैंने ये सैलेड करा दिया था। और ये सैलेड कराने वाला डिसीजन बहुत अच्छा था, सारी पिकल्ड वेजिटेबल्स हैं और बहुत ज़बरदस्त और मज़ेदार हैं। और ये सैलड्स तो ये इतने ज़्यादा ही हमसे ख़त्म ही नहीं हो रहे। और ये जो है लेबनी, इसका मैं आपको बताती हूँ, इसमें हनी और चीज़ मिल के इतना मज़े का फ्लेवर ये देते हैं। देखिए कितना स्मूद है ये, इसको खा के ऐसी फीलिंग आती है कि आपका जो डिज़र्ट किसी भी क्रेविंग अगर आप कर रहे हैं तो आप वो भी इससे फुलफ़िल कर सकते हैं। मेरी नज़र में मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। ये लैम शवारमा प्लेटर है, ये फ्रेंच फ्राइज और सैलड्स के साथ सर्व किया है और सॉसेस इसमें भी साथ में केचप है और टहिनी सॉस है इसमें। ये लैम शवारमा प्लेटर सर्व किया है लैम, ये टहिनी सॉस और केचप के साथ। कितनी सॉफ्ट सी है, खुद ये बनाते हैं। बाबूसा कहते हैं, बाबूसा कहते हैं, मुझे कंफर्म करना है कि ये है क्या चीज़ प्रॉपर। तो ये देखिए, ये इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो है ये दिया है, टू स्लाइसेस, टू सर्विंग्स तो नहीं खाएंगे, लेकिन ये इन्होंने दो हमें इस तरह के जो हैं ये पीसेस जो हैं वो दिए हैं। सेमोलिना का ये बनता है और इस पर जो है सेमोलिना केक है सॉर्ट ऑफ, तो इसको ट्राई करते हैं। और ये इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री दिया था तो ये मज़े का होगा। चीनी का शीरा बना के जो है इसके ऊपर वो डालते हैं, तो हनी भी डाल सकते हैं, हनी भी डाला होगा इन्होंने, बल्कि उनसे पूछ लेते हैं कि इसमें उन्होंने क्या डाला। तो बहुत स्वीट था और मज़े का था और हनी का जो है इसमें टेस्ट आ रहा था। इसमें हनी डाला हुआ है आपने ऊपर इसके? नहीं, ये बादाम। नहीं, बादाम तो है लेकिन इसके ऊपर आपने शीरा डाला है चीनी का, या ये देसी घी में बनता है? ये सेमोलिना के साथ देसी घी में बनता है। तो इसको, इसके ऊपर आप, इसको आपने शीरे में डिबोया है, शीरा ऊपर डाल, शीरा ऐड होता है इसके अंदर, ऐड होता है शीरा इसके अंदर, ऐड होता है, उससे पहले जो होती है ना पूरी आइटम उसमें ये ऐड, उसमें ऐड हो जाता है शीरा। अच्छा, तो ऊपर इसके आपने हनी डाला है? नहीं, ये ब्राउन हो जाता है बेक होने के बाद, ब्राउन हो जाता है। तो ये इतना ऐसा लग रहा है जैसे इसके ऊपर ना ये हनी डला हो। ये देखें कितना गीला गीला सही, गीला गीला क्यों है ये? इसके ऊपर हनी डला होता है ना, स्वीट है ना, ये मीठा शीरा होता है, तो ऊपर भी डलता है शीरा अंदर डालने के अलावा? ये जब बेक होता है ना तो उसके ऊपर शीरा डाल दिया जाता है, उसके देन उसके बाद ये जो है बादाम ये रखे जाते हैं, फिर इसको ओवन में बेक करते हैं। अच्छा, शीरा डालने के बाद ओवन में? जी, शीरा डालने के बाद बेक होता है, उसकी वजह हीट की वजह से फिर ये ऊपर से ब्राउन हो जाता है। ठीक 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 तो जी, ये टेबल जो है ये खाली हो चुका है और हम लोग फ्री हो चुके हैं खाना खाने से। तो अब मैं इसका व्यू आपको बाहर से दिखाती हूँ, बहुत ज़बरदस्त खाना था। तो ये सैनिटाइज़र जो है ना ये हम अपना लेकर आए हुए थे गाड़ी से, ये जो हम हर वक्त साथ साथ रखते हैं, तो ये हम ले लेंगे और अब चलते हैं वापस। बहुत मज़ा आया, खाना बहुत डिफरेंट और जो है बहुत अच्छा था। और लाहौर का जो हमारा एक एक्सपीरियंस था निसा सुल्तान का, उस एक्सपीरियंस से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जो था वो था द लेबनीज़ टेबल का, जो कि है बहरिया टाउन
इस्लामाबाद में फेज़ फोर में, तो ज़रूर इस रेस्टोरेंट को ट्राई कीजिए लेबनीज अरेबिक खाने के लिए एंड यू विल एंजॉय। तो यहाँ पे हमारा चाय पीने का प्लान था, मिक्स चाय, तो हम यहाँ पर रुके थे, यहाँ पर रुके थे हम कि यहाँ पर चाय देख लें। यहाँ पर ये है कोयटा दिलदार कैफे, और ये बिल्कुल बैक साइड पे है, द लेबनीज टेबल रेस्टोरेंट के बिल्कुल बैक साइड पे है, और प्रॉपर ये प्लाजा है, और ये प्लाजा जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है, आपको पता नहीं, हाँ ये देखें, बहरेन कॉम्प्लेक्स और कोलाज और शिनवारी रेस्टोरेंट और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं इधर, सबवे भी है, और कोयटा दिलदार कैफ़े जो है, यहाँ से जो है हस्बैंड मेरे गए हुए हैं चाय जो है वो ऑर्डर करने के लिए, और अभी हम चाय पियेंगे गाड़ी में बैठ के। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अच्छे कमेंट्स कीजिएगा, कुछ क्रिटिक्स हैं, कुछ सजेशंस हैं ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वीलॉगिंग जो है लाइक हर बंदा जो है ये कर सकता है, और अगर उसके पास कुछ अच्छा कंटेंट है या वो कुछ कन्वे करना चाहता है तो वो कन्वे कर सकता है इसके थ्रू जो है, और अच्छी चीज़ है कुछ पॉजिटिव जो है अपने चैनल के थ्रू वो लोगों तक पहुँचाएँ, एंड आई एम डूइंग दिस ऑन माई पार्ट। अगर कुछ इम्प्रूवमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जो है दैट्स इट फॉर टुडे, और जल्द मिलेंगे किसी और अच्छी वीडियो के साथ, किसी और अच्छी फूड रेस्टोरेंट के रिव्यू के साथ, किसी और अच्छी रेसिपी के साथ, किसी और अच्छे वीलॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।